राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अनाधिकृत प्रयोग करने व इसकी शिकायत प्रशासन से करने पर भाजयुमो के खिलाफ अशोभनीय अभद्र बयान देने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा छोटी सादड़ी ने कार्यवाही की मांग को लेकर SDM गौरी शंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद CWC मेंबर रघुवीर मीणा ने 17 मई मीडिया में भाजपा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के लिए अपमानजनक एवं अभद्र भाषा का उपयोग किया है। वहीं रघुवीर मीणा द्वारा अपने लेटर हेड पर नियम विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का भी अनाधिकृत उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के उल्लंघन व लॉकडाउन में अभद्र अशोभनीय भड़काऊ बयानबाजी कर उकसाने की राजनीति करने के प्रयासों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आज उपखंड कार्यालय छोटी सादड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल और ग्रामीण मंडल ने युवा मोर्चा के द्वारा पूर्व सांसद और CWC मेंबर रघुवीर मीणा ने जो 17 तारीख को माननीय श्री गुलाबचंद जी कटारिया के विषय में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जो टिप्पणियां की है, युवा मोर्चा छोटी सादड़ी उनका विरोध करती है और साथ में उपखंड अधिकारी को महोदय को राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया है और रघुवीर मीणा जी जो कि पूर्व सांसद हैं और उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का उपयोग करके और संवैधानिक सिस्टम को ख़त्म करने का प्रयास किया है। इसके विषय में भी माननीय राज्यपाल महोदय से हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ में जब उदयपुर ग्रामीण और नगर के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इस विषय को लेकर के राज्यपाल महोदय तक जाने का कार्य किया, उस समय भी उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कुत्ते का पिल्ला और इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी करके और देख लेने की धमकी दी। तो युवा मोर्चा छोटी सादड़ी के कार्यकर्ताओं ने आज मिलकर के ज्ञापन दिया है कि लॉकडाउन के काल में भी ऐसे उकसाऊ भरे भाषण देकर के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को जो अभद्र टिप्पणी की है उसके खिलाफ भी हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है। छोटी सादड़ी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।